खनिया दाना में एक नवयुवक ने मारपीट से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी ने थाना खनिया दाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका पति खेत पर करधई के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। साथ ही बताया कि कल शाम उसके पति सुनील यादव का इसी बात को लेकर दो लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। इसी से आहत होकर उसने खेत पे जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरा नाम परवर सिंह यादव है। अभी ये घटना घटी है, क्या मामला है? मामला सर ये है कि रात में इसकी लड़ाई हुई है, वो पवन यादव और एक गणेश यादव है नीमखेड़ा जी, उनने इसको मारा पीटा है। तो घर पे पता चला तो हम खेत पे थे, तो मैं तो आ नहीं पाया। बहू और हमारी खुद की घर से वो गई तो बेचारे को लेके आई वहाँ से, तो मुड़ मुड़ फटी थी उसकी। घर आके भी बोला उसने कि मुझे इन लोगों ने मारा है, तुम लोग चलो। अब हम सब कहाँ से लड़ने जाएँ, कहाँ मारने जाएँ, कि रिपोर्ट डालने चलते हैं। तो गया नहीं, बोले सुबह जाऊँगा। ये पूरी घटना है सर। फिर उसके बाद चला गया कुगा पे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फांसी पे लटका मिला सर। आप लोगों ने अभी कोई FIR कराई है? हाँ, थाने गए थे, FIR करवाई है। रात में पवन के डिब्बे पर भैया की मेरी लड़ाई हुई। मैं भैया घर पे आया, मेरे दोस्तों ने फ़ोन लगाया कि भैया की लड़ाई होगी, तो जब मैं बाहर आता तो मैंने अपने भैया भाभी सब के लिए भेजो, भैया भाभी वहीं से लेके आया। उनकी मुड़ी फूटी थी, घर रोत रोत आए भी। घटना की सूचना कैसे मिली? घटना की सूचना एक दोस्त ने कॉल करके बताया कि भैया दारू पिए थे और यहाँ इनकी गाली गलौज हो रही है, तो जल्दी आया मैं कि भाई मैं हूँ नहीं यहाँ। बाकी बाद मैंने भाभी को फ़ोन लगाओ, भाभी दौड़ा दौड़ा आई, भाभी आई, भाभी ले गई, निकला घर गए। भाई साहब, बड़े भाई साहब से गए, भाई साहब ने कही चल रिपोर्ट डाल रहे हैं, बस सवेरे तो यार दारू पिए, एक काम का संत रहे घर रहे। बाकी बात भाई साहब के पास गया, साल भर से बोला चलो नहीं है, तो विनोद भाई साहब को, विनोद भाई साहब घर कल विनोद में मारो यार, भाई साहब कल रिपोर्ट डाल दे, कल कोई नहीं सुन रहा यार। कब का किसने मारा था? दिनेश दाऊ, दिनेश यादव निमखेड़ा और पवन यादव और चार पाँच लोग रहते वहाँ में। मेरे भैया ने मुँह से खुद कई सब से कही, चार लोग अन्य थे। मेरे भैया ने मुँह से कही, एक से नहीं कि दस से कही कि मारो है, मारो है। जी आदमी खुद साक्षात गवाह है, जिसने इसके सामने खुद कहा था। फांसी का मामला सामने आया था, उसमें जो जिस व्यक्ति ने फांसी लगाई है उसके परिजनों ने भी किसी के नाम बताया, क्या मामला? ये पूजा पत्नी सुनील यादव उम्र 24 साल निवासी जालमपुर ने रिपोर्ट करी थी कि उसका पति करदही के पेड़ पर फांसी लगा के लटका हुआ है। और साथ में उसने रिपोर्ट में ये भी बताया था कि एक दिन पहले खनिया थाना में उसे पवन और दिनेश नाम के व्यक्ति से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। इसमें से मरकरमा के एक कायम किया गया, जांच कर रहे हैं इसमें।